मैं अनुराग कुमार नरवरिया, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर से गणित के बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे। गणित के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे संख्या। संख्या और संख्या के बारे में थोड़ा बहुत समझे, ठीक है। संख्या और संख्या के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लें। इसमें शुरुआत होती है सबसे पहले समुच्च। समुच्च क्या कहलाता है? इसमें सबसे पहले आएगा हमारा समुच्च। समुच्च समुच्च क्या होता है? समुच्च किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्च कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है किसी वस्तुओं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या समूह को सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्च कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्च कहते हैं। संग्रह में ली गई वस्तुएं समुच्च के अवयव के सदस्य होती हैं। मतलब अगर संग्रह में जो भी अगर हम वस्तुएं लें और समुच्च के अवयव या सदस्य होती हैं, इसके अंतर्गत किसी संग्रह या समूह के संकेतों को अंतर्गत समुच्च कहते हैं। समुच्च को हम मंजिले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। समुच्च को हम मंजिले कोष्टक के अंदर लिखते हैं और हम इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर ई से प्रदर्शित है तो हमें यह ज्ञात हो जाता है किसी न किसी वस्तुओं के संग्रह या उसके समूह की बात हो रही है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, इसमें एक क्वेश्चन आता है समुच्च। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें, एक प्रश्न है, अगर हम उस प्रश्न के अंतर्गत आपसे बात करें कि सप्ताह के दिनों का समुच्च बनाइए, का समुच्च दर्शाइए या बनाइए, ठीक है। तो हम किस प्रकार दर्शाएंगे इसको? इसको हम दर्शाएंगे सबसे पहले हम इसमें ए लिखेंगे। ए इससे हमें पता चल जाएगा हम समुच्च की बात कर रहे हैं। और फिर हम इसको मंजिले कोष्टक में अब हमें दिनों के नाम को लिखना है, तो हम पता चल जाएगा समुच्च की बात होगी। तो सबसे पहले हमारा दिन आता है रविवार। रविवार के बाद आता है सोमवार। सोमवार के बाद आता है मंगलवार। मंगलवार के बाद आता है बुधवार। बुधवार के बाद आता है गुरुवार। गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार। शुक्रवार के बाद आता है शनिवार। और मंजिला कोष्टक यहाँ बंद है।